अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 1, बायोलॉजी। ऑब्जेक्ट टू, स्टडी द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब ईच पार्ट ब्रीफली। बेसिकली आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हिस्सों को तफसील से पढ़ेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली वो माइक्रोस्कोप है जो हम लैब में इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी नॉर्मल स्कूल लैब्स होती हैं, कॉलेज लैब्स होती हैं, वहाँ जो माइक्रोस्कोप खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाती है। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपकी स्कूल कॉलेज की लैब्स में यूज़ होती है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। हम मुख्तलिफ हिस्सों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज बेस, दिस वन इज बेस। बेस बेसिकली हॉर्नशू लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि इसको सपोर्ट में मदद देता है, क्योंकि पूरी माइक्रोस्कोप का जो वेट होता है वो बेस कैरी करती है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज आर्म। आर्म बेसिकली माइक्रोस्कोप को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। देखें माइक्रोस्कोप को उस तरीके से जब हम होल्ड करते हैं तो हम इसको इस आर्म की मदद से होल्ड करेंगे। थर्ड पार्ट इज बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब बेसिकली कनेक्टेड होती है आईपीस एंड नोज पीस से। दिस वन इज आईपीस एंड दिस वन इज नोज पीस। आईपीस एंड नोज पीस पे डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं जो कि हमें फोकसिंग में हेल्प करते हैं, और इसको जो कनेक्ट किया हुआ होता है वो बॉडी ट्यूब में कनेक्ट किया। थर्ड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज स्टेज। स्टेज बेसिकली स्लाइड को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम किसी भी स्पेसिमेन की स्लाइड इसके ऊपर ईजिली रख सकें। दिस वन इज क्लिप। क्लिप साइड को होल्ड करते हैं। दिस इज इंक्लाइनेशन ज्वाइंट। इंक्लाइनेशन ज्वाइंट बेसिकली जो बेस और आर्म होता है इनको ज्वाइंट करा हुआ होता है, ताकि ये माइक्रोस्कोप हम यानी कि जो माइक्रोस्कोप है जब हम इसको स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करें तो हम इसको इजिली मूव कर लें। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू। फोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू बेसिकली बॉडी ट्यूब को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखें बॉडी ट्यूब मूव हो रही है, लेंसेस अप एंड डाउन मूव हो रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, फोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से हो रहा है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू क्या करते हैं, जो हमारे लेंसेज होते हैं मजीद जो स्पेसिमेन हमें साइड स्टेज पर रखा हुआ होता है उसे मजीद फाइन करते हैं, क्लियर करके हमें ऑब्जर्व करवाते हैं। दिस वन इज लेंस, आई पीस एंड नोज पीस के ऊपर डिफरेंट लेंसेज लगे होते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में लिविंग स्पीशी को ऑब्जर्व करते हैं या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उनको डिफरेंट लेंसेज की मदद से ऑब्जर्व करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्लाइड्स हैं जो कि हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 भी। तो सबसे पहले हम इसमें अम्यूबा प्रोटीज की स्लाइड उठाएंगे, ठीक है। हम स्लाइड कैसे फिक्स करते हैं, देखिए मैंने आपको कहा कि स्लाइड को हम स्टेज पे फिक्स करेंगे। देखें स्टेज है, हमने इस तरीके से पहले अपने फोर्स एडजस्टमेंट स्क्रू को मूव किया, नोज पीस अप होना शुरू हो गया, देन हमने यहाँ पे स्लाइड को फिक्स किया, ठीक है। स्लाइड को फिक्स करने के बाद हमने उसको क्लिप की मदद से फिट कर दिया। ओके स्टूडेंट, ये वाला जो पार्ट है मैं आपको डिफाइन करना भूल गई थी, दिस वन इज रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा मेन पार्ट है। लाइट जब आपको उसको, इस वजह से लाइट माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, जब लाइट डायरेक्टली रिफ्लेक्टर पर पड़ती है तो आपका ये जो कंडेंसर है इसको आपको ओपन करना है, और लाइट फिर आपके स्पेसिमेन पर पड़ती है, ठीक है। जो स्पेसिमेन होगा इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो उसका कलर होगा वो आपको प्रोमिनेंट इस माइक्रोस्कोप में नज़र आएगा। स्लाइड आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करी है, आपकी फर्स्ट स्लाइड है अम्यूबा। अम्यूबा का जो आम नाम है यानी कि कॉमन नेम है अम्यूबा कंसिडर होता है। अम्यूबा का फाइलम प्रोटोजोआ है। अम्यूबा की जो क्लास है वो राइजोपोडा है, और जिसका बायोलॉजिकल नेम है वो अम्यूबा प्रोटियस है, ठीक है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि अम्यूबा बेसिकली किस टाइप का होता है। अम्यूबा जो है यूनिसेलुलर एनिमल्स है, और इसकी अपनी कोई फिक्स शेप या इसकी कोई शक्ल नहीं होती, ठीक है। इसमें जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये सूडोपोडिया कहलाती हैं, जो इसको हरकत करने में यानी कि मूवमेंट करने में मदद देती हैं। अम्यूबा के जो इनसाइड जो बॉडी आपको नज़र आई है रेड कलर का जो डार्क पार्ट था, बेसिकली वो क्या है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो कि इसको क्या करता है, कॉन्ट्रक्शन करवाता है। और इनसाइड जो इसके है वो है एंडोप्लाज्म, और जो आउटसाइड है वो है एक्टोप्लाज्म, ठीक है। अम्यूबा स्लाइड जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम का जो कॉमन नेम है वो पैरामीशियम ही कंसिडर होता है।
फाइलम है इसका प्रोटोजोआ, क्लास है इसकी सीलिएटा, और जो पैरामीशियम का बायोलॉजिकल नेम है पैरामीशियम कॉडेंटम कंसिडर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बेसिकली ये भी क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल है, और इसकी जो शेप होती है वो स्लीपर लाइक होती है, यानी कि चप्पल के तले जैसी होती है, ठीक है। इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे जो बाल नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं सीलिया, जैसे अम्यूबा को सूडोपोडिया हरकत करने में मदद दे रहा था, तो इसी तरीके से पैरामीशियम को सीलिया जो होते हैं वो हरकत करने में मदद देते हैं, ठीक है। इसके भी इनसाइड देखें एक्टोप्लाज्म होता है, और सॉरी इनसाइड एंडोप्लाज्म होता है, और आउटसाइड जो होता है वो एक्टोप्लाज्म होता है, ठीक। इसके अंदर भी जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर भी मौजूद हैं।